Hello students, today we are going to discuss pronoun and its types. I hope that in your previous classes you all must have studied about pronoun and its types also. But in this class we are going to have some deep information about the types of pronoun. Let's see. First, in brief, I have written here the definition of pronoun. So what is pronoun? Pronoun is used in the place of nouns. So जो words noun की जगह पर इस्तेमाल होते हैं they are called pronoun. Because and why these nouns are used in place of in place of noun, why these pronouns are used in place of noun? Because हम बार बार noun का नाम noun को उसके नाम से address नहीं कर सकते हैं. For example, if you have to talk to your friend, so you cannot name your friend every time. आप बार बार अपने friend का नाम नहीं लेंगे. You will call him आप या तुम. आप उसको बार बार तुम या आप कह के बुलाएंगे. Instead of naming him, उसका नाम लेने के बजाय हम उसको तुम या आप कह के उसको बुलाएंगे. Why? Because naming someone again and again, it sounds awkward. वो अच्छा नहीं लगता है. And this is the only reason that pronouns are placed with nouns. For example, he, she, they, we, it, I, etc. So, if a boy is there, then boy, अगर boy का नाम है राम है और राम को हम बार बार राम नहीं कह सकते, हम उसको he कहेंगे. कोई राधा है तो हम उसको she कहेंगे. बहुत सारे लोग हैं उनको हम they कहेंगे. We cannot name each other. हम each person हम हर किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते. तो उसको हम collective noun में हम एक साथ उसको they बोल सकते हैं. हम उनको वी बोल सकते हैं, दैट हम लोग, इट बोल सकते हैं, या फिर हम आई बोल सकते हैं. सपोज़ अगर मुझे अपना अपने बारे में कुछ बताना है, सो आई विल नॉट से दैट निशा इज़ टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, आ निशा इज़ गिविंग यू एक्सरसाइज, निशा गिव्स एक्स्ट्रा क्लासेस. सो ये सारी चीज़ें बार बार मैं अपने नाम लेकर नहीं बुलाऊँगी. आई विल से आई, मैं नाउन यानी निशा की जगह पर आई वर्ड यूज़ करूँगी. Now comes the types of pronouns जो कि आपके syllabus में हैं, course में हैं. So we'll study three types of pronouns. First is reflexive pronoun, then relative and then interrogative. One by one we'll understand each type of pronoun. So reflexive pronouns normally used when the object of the sentence is same as the subject. That means there is a suppose एक sentence लिखा हुआ है and हर sentence में maximum sentences में एक subject होता है, it means कर्ता होता है, और एक object होता है वाक्य के अंत में जिसको हम विषय कहते हैं. So here this definition is telling us that a reflexive pronoun is normally used. ज़्यादातर जो reflexive pronouns होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे होते हैं. सेंटेंस में जहाँ विषय लिखा होता है वहाँ पर लिखे जाते हैं. एंड इट इज़ सेम एज द सब्जेक्ट, और ये बिल्कुल सब्जेक्ट की तरीके से होते हैं या रिफ्लेक्शन होते हैं सब्जेक्ट का. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा कि मैं मैथ्स खुद से पढ़ता हूँ, इट मीन्स मुझे किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है. मैंने कहा मैं मैथ्स खुद से पढ़ता हूँ, आई स्टडी. अब मैं के लिए एक और वर्ड यूज़ हुआ है, खुद से. सो यहाँ पर जो खुद से है एक तरीके का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है किसका, मैं का. ठीक है, तो आई के लिए जो रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ हुआ है वो हो जाएगा माई सेल्फ. सो आई स्टडी मैथ्स माई सेल्फ. ठीक है, सो यहाँ पर जो आई का रिफ्लेक्शन है वो माई सेल्फ हो जाएगा. सो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी सब्जेक्ट का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे या बनाएंगे, तो हम उस वर्ड में सपोज़ जो प्रोनाउंस हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, आई का माई होता है, ही का शी होता है, सॉरी ही का हिज होता है, शी का हर होता है, वी का आर होता है, दे का देयर होता है, इट का इट्स होता है. ठीक है, तो ये जो दूसरा मैंने लाइन बोली है, हिज या हर, देयर, आर, इन सब में हम
सेल्फ यूज कर देंगे. इफ यू सी हियर इज अ वर्ड रिटन सेल्फ लिखा हुआ है. दे आर फॉर्म्ड ये बनते हैं बाय एडिंग सफिक्स. सफिक्स का मतलब है प्रत्यय यानी पीछे की तरफ सफिक्स जुड़ते हैं. सफिक्स कौन कौन से दो होते हैं. सेल्फ शब्द में सेल्फ जुड़ जाएगा या फिर सेल्फ्स जुड़ जाएगा. सेल्फ एक वचन के लिए होगा एंड सेल्फ्स बहुवचन के लिए होगा जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे. नाउ लेट मी जस्ट शो यू दिस चार्ट हियर. सो हियर इफ यू सी सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं. सब्जेक्ट यानी वाक्य के जो शुरुआत में आते हैं कर्ता होता है. तो कर्ता के रूप में जो प्रोनाउंस आते हैं वो ये हैं आई यू ही शी दे वी यू प्लूरल वाला व्यू एंड देन इट. फिर जो मिडिल कॉलम है इन दिस पर्सनल प्रोनाउंस आर इट. सो ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं इन्हीं के जो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे वो मिडिल कॉलम में लिखे हुए. आई का माई हो जाएगा, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, वी का आर हो जाएगा, यू का योर्स, इट का इट्स. देन फिर इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनेंगे जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, जो कि वाक्य के अंत में यूज़ हो रहे हैं. वो क्या हो जाएंगे. ये जो मिडिल में लाइन लिखी हुई है, वर्ड्स लिखे हुए, इसी में सेल्फ अगर आप देखेंगे, सेल्फ यानी एक सफिक्स के तौर पर, प्रत्यय के तौर पर माई के अंत में, एंड में जुड़ गया है माई सेल्फ. योर के अंत में जुड़ गया है योर सेल्फ. हिज के एंड में हिम सेल्फ. हर का हर सेल्फ. देयर का देम सेल्फ्स. आर का आर सेल्फ्स. योर का योर सेल्फ्स. एंड इट्स का इट्स सेल्फ. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट chart which you need to remember and it will always help you for long time. ये जब तक आपको आप जब जब कभी English बोलेंगे so there this chart is going to help you. आपको ये मदद करेगा याद रखने में कि हमें कहाँ पर personal pronouns कौन से use करने हैं subject pronoun के लिए और कौन से हमें reflexive pronouns use करने हैं personal pronoun के लिए. Now we'll back to the example. Now if you see these two examples, he himself bought a new cricket bat. So उसने खुद ही एक नया बैट क्रिकेट के लिए ख़रीद लिया. सो यानी उसने खुद ही काम ये कर लिया. ठीक है. फिर आता है खुद से, यानी ख़रीदने का काम उसने खुद से कर लिया. तो यहाँ पर जो हिम सेल्फ है ये खुद से, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. फिर है आई मेड माई सेल्फ अ पेंसिल केस. मैंने पेंसिल का बॉक्स या पेंसिल केस खुद से बनाया है. यानी ये जो माई सेल्फ है ये क्या बता रहा है, खुद से. ये आई के लिए माई सेल्फ यूज़ हुआ है और फर्स्ट एग्जांपल में ही के लिए हिम सेल्फ यूज़ हुआ है. नाउ सी द आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. विल मूव ऑन नाउ. नाउ Yes, there is a note. In the note, what you can see, two important points are written. We don't use reflexive pronouns for actions and people carry out themselves. यानी ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए. कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, जबकि हम जो काम है, जो करता है, वो जो काम करता है वो अपने अलावा किसी और से नहीं करा सकता है, या फिर वो अपना काम खुद करता है एंड वो काम जो उसको खुद ही करना पड़ता है या खुद ही करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पानी पीना, खाना खाना, आंसू पोछना, ठीक है, हंसना. तो ये काम ऐसे है कि वो खुद से करता है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, या फिर उस वो काम ये खुद ही कर सकता है. तो ऐसी जगह पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो खाना खुद से खाता है, ठीक है, क्योंकि खाना तो हम ही खाएंगे, या फिर वो खुद ही रोता है, ठीक है. सो यहाँ पर कुछ कामों को हमें ये याद रखना है कि वो काम जो हम खुद के लिए करते हैं, खुद से करते हैं, तो यहाँ पर हम माई सेल्फ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल माई फादर शेव्ड हिमसेल्फ बिफोर ही वेंट टू ऑफिस.
अब किसी के फादर या कोई इंसान जो खुद ही शेविंग करता है, हमेशा से शेविंग करता है, तो ये उसके लिए नहीं कहा जा सकता है कि वो शेविंग खुद से करके ऑफिस गए। वो शेविंग करते हैं और ऑफिस जाते हैं, या फिर उन्होंने शेविंग की और ऑफिस चले गए। तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं माई फादर शेव्ड हिमसेल्फ एंड वेंट टू ऑफिस बिफोर ही वेंट टू ऑफिस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब ये एग्जाम्पल आप दीजिएगा तो यहाँ पर जो शेव्ड है इसको गोला बनाकर इसको काट दीजिएगा। अच्छा, ये जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, वी डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फ्रो, फ्रो नहीं होगा, दिस इज़ फॉर, दिस इज़ अ मिसप्रिंट वर्ड, सो प्लीज़ करेक्ट इट जब व्हेन यू वॉच दिस वीडियो। एंड देन ही ब्लेम्ड मी। अब नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन हियर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट पर्सन ऑफ थिंग्स। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा मैं खुद से खाना बनाता हूँ, ठीक है, मैं खुद से खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड माई सेल्फ, या ही कुक्स फूड हिमसेल्फ, तो ठीक है, क्योंकि वह खुद से यानी अपने आप से खाना बनाता है, तुम अपने आप से पढ़ते हो, वो लोग अपने आप से काम करते हैं। तो यहाँ पर अपने आप से उसी इंसान के लिए यूज़ हो रहा जो वाक्य की शुरुआत में है। लेकिन अगर जो वाक्य की शुरुआत में करता है उसका लेना देना उस ऑब्जेक्ट से नहीं है जो उस लाइन में ही लिखा हुआ। जैसे मैंने कहा कि वह प्रिया का काम करता है, तो वह प्रिया का काम करता है, इसमें वह और वो यानी वो लड़का या राम प्रिया का काम करता है, तो राम एक अलग पर्सन है और प्रिया एक अलग पर्सन है। तो यहाँ पर हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा राम डज प्रियाज वर्क। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा, ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तो यहाँ पर ही भी अलग है, मी भी अलग है, मैं भी अलग है और वह भी अलग है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ही ब्लेम्ड माई सेल्फ, गलत है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ भी गलत है, आई ब्लेम्ड हिमसेल्फ भी गलत है। यहाँ पर जो है उसने मुझे ब्लेम किया, इसकी इंग्लिश होगी ही ब्लेम्ड मी। तो ऐसे वाक्यों में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। एंड आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दीज टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सॉरी वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई हैव टॉट यू, इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी अप, यू कैन मेक मैसेजेस ऑल्सो टू गेट योर डाउट क्लियर्स। थैंक यू।